हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रोम्बोलाइटिक, है ना, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है? हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग जब सीखी थी फर्स्ट ईयर में, है ना, थ्रोम्बाई जो हो जाता है, थ्रोम्बस, प्लेटलेट आता है, उसके बाद फिर थ्रोम्बिन आके पकड़ लेता है, क्लॉट बन जाता है। तो उसको अब तोड़ना है हमें, क्या करना है, लाइटिक। लाइटिक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ठीक है ना। तो ऐसे ड्रग्स जो उस थ्रोम्बस को तोड़ेंगे। तो क्यों जरूरत है उस तोड़ने की? क्योंकि कई बार ये थ्रोम्बस हमारे बॉडी के अंदर जम जाता है, यानी कि एक तरह से सीधी सी बात यह है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट बनना शुरू होता है, एक खून का थक्का बनता है, तो उसको तोड़ने के लिए, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट के जो दो लेक्चर हमने पढ़े हैं वो वही पढ़े हैं कि किस तरीके से हम लोग ब्लड के क्लॉट को बॉडी के अंदर अगर बन रहा है तो तोड़े, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास क्या है, स्पेशली हम लोग जो क्लॉट में हमारे पास जो थ्रोम्बिन होता है उसको लेकर के ड्रग्स की बात होने वाली है। तो है क्या चीज? दीज आर द ड्रग्स यूज्ड टू लाइस, लाइस मतलब ब्रेक करना, थ्रोम्बाई या क्लॉट। क्लॉट पता ही है आप अच्छे से, क्लॉट क्या होता है? खून का थक्का जो होता है। टू रीकैनलाइज, रीकैनलाइज मतलब कैनाल, कैनाल होता है नली, पतली सी जो रास्ता होता है उसको रीकैनलाइज, जो बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, उसको द्वारा खुल जाए वो रास्ता। ऑक्लूडेड ब्लड वेसल्स, ऑक्लूडेड मतलब जिस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड भर गया है, जम गया है, ठीक है। मेनली कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारी कहां पाई जाती है, हार्ट में होती है ना, यही तो ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट हमारा प्रॉपर काम नहीं करता है, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको क्या है, जो हमारी नस वो है, नसें हैं खून की, उनके अंदर जो खून जम गया है उसको क्या करना है, खोलना है, ठीक है। अब जमता कैसे है, उसी को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए थोड़ा सा यहां प्रोसेस समझा रखिए कि एक्चुअली देखो होता क्या है। एक नेचुरल प्रोसेस है, जब हमें चोट लग जाती है तो देखो क्या कह रहा है, हेमोस्टेटिक प्लग, ये हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। हेमोस्टेटिक प्लग ऑफ प्लेटलेट्स फॉर्म्ड, एक प्लेटलेट का प्लग बनता है जहां चोट लगती है, एट द साइट ऑफ इंजुरी टू ब्लड वेसल्स इज रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स मतलब उसको और मजबूती देता है कौन, फाइब्रिन, याद आया, फाइब्रिन आकर के और जाल नुमा बना लेता है, फाइब्रिन का डिपोजिशन टू फॉर्म अ थ्रोम्बस, और फाइनली वो जो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं, क्लियर है, है ना। प्लेटलेट्स आकर के पहले इकट्ठा होता है, उसके ऊपर आकर फाइब्रिन अपना जाल बना लेता है, स्ट्रक्चर क्या बन गया, थ्रोम्बस, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अब देखो क्या है, वंस रिपेयर इज ओवर, रिपेयर जब हो गया, रिपेयर का काम हो गया, चोट लगी थी ऊपर, धीरे धीरे क्या है, सूखता रहता है चोट और वो काला काला जम जाता है, लेकिन नीचे की तरफ वो एक्स्ट्रा पार्ट है, है ना, क्योंकि जहां नीचे एक्स्ट्रा जो जमा हुआ उसको हटाना है, क्योंकि वहां पे सेल डिवाइड होकर के उसको लेवल, है ना। जैसे मान लो ये है, चोट लगी तो ये एक ऐसा थक्का सा जम गया है यहां पर, ऊपर वाला तो वो हट जाता है, लेकिन नीचे वाले को साफ करना ताकि यहां पर सेल डिवाइड होकर के जुड़ सके, तो नीचे वाले को एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है हमको, ठीक है ना। तो रिपेयर एक बार जब हो गई है तो फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम, फाइब्रिन को तोड़ने वाला, इज एक्टिवेटेड टू रिमूव द फाइब्रिन, फाइब्रिन को हटाने के लिए एक फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग फाइब्रिन, तो ये यहां पर मनमास क्वेश्चन बनता है, फाइब्रिन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, इज अ सेराइन प्रोटीएज प्लाज्मिन, क्या नाम है उसका एंजाइम का, प्लाज्मिन नाम है वो, सेराइन प्रोटीएज होता है, सेराइन हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। तो फिलहाल इतना ध्यान रखेंगे, फाइब्रिन को तोड़ने के लिए एक एंजाइम है प्लाज्मिन, जो कहां से पैदा होता है, जनरेटेड फ्रॉम प्लाज्मिनोजेन बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मिन बनता है प्लाज्मिनोजेन से, किसके द्वारा बनता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू के ऊपर एक प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर नाम का चीज होती है जो उसे एक्टिवेट कर देती है, जिसे हम टीपीए भी कहते हैं। अब जो टीपीए है इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरली मेन, खास करके वस्क्यूलर एंडोथेलियम, जो ब्लड वेसल का अंदर का पार्ट होता है ना, वहीं से ही हमारा टीपीए बनता है, सीधा सा फंक्शन था ये हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर, यह चीज होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी बॉडी जब कुदरती तौर पर हो रहा है, तो जब तक यंग है तब तक ठीक है, लेकिन जब ओल्ड एज आता है तो क्लॉटिंग नॉर्मल होने लगती है ब्लड के अंदर, तो हमें उसको तोड़ना होता है। नाउ प्लाज्मिनोजेन सर्कुलेट्स इन द प्लाज्मा एज वेल एज रिमेन बाउंडेड टू फाइब्रिन, अब जो प्लाज्मिनोजेन है, दिस प्लाज्मिन जिससे बनता है प्लाज्मिनोजेन, ये प्लाज्मा में सर्कुलेट करता रहता है, प्लस साथ साथ में फाइब्रिन से भी बंध जाता है, ठीक है। द टीपीए सिलेक्टिवली एक्टिवेट द फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन, जो प्लाज्मिनोजेन
फाइब्रिन, यहां पे हमारा क्या फाइब्रिन था, फाइब्रिन से जाकर के चिपक गया है, केवल उसको ही एक्टिवेट करता है प्लाज्मिन में, दूसरे को एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। विद इन द थ्रोम्बस, जो हमारा थ्रोम्बस है, एंड एनी प्लाज्मिन डेट लीक इज इनएक्टिवेटेड बाय सर्कुलेटिंग एंटीप्लाज्मिन। अगर कोई प्लाज्मिन जो बन गया है वो थ्रोम्बस से निकल करके हमारे ब्लड में आ गया है तो एंटीप्लाज्मिन होते हैं वो उसे क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। तो ये सिंपल सी प्रोसेस हमें समझनी थी कि अच्छा ये है क्या, क्योंकि हमारी जो आगे ड्रग के फंक्शनिंग वगैरह है थोड़ी सी, थ्रोम्बस प्लाज्मिन और प्लाज्मिनोजन, यहीं पे सारी कहानी चलेगी, है ना, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेगा वो सारा यहीं चलने वाला है इसका, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर लर्निंग, याद करने के लिए नहीं है, समझने के लिए, ताकि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब क्लासिफिकेशन करें तो मोटे मोटे हमारे पास 5 तरह के ड्रग इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, एल्टीप्लेस, ठीक है, रिकॉम्बिनेट टी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यूरोकाइनेस, रेटिप्लेस और टेनेक्टिप्लेस। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लें हम लोग, स्ट्रेप्टोकाइनेस की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, अब तुम्हें देखो पूरा मैं समझा देता हूं और फिर याद रखने के लिए क्या रहेगा वो बताऊंगा। कह रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है, ये जो दवा है हमारी, इट इज द फर्स्ट फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग, ये सबसे पहला फाइब्रिनोलाइटिक, फाइब्रिन को तोड़ने वाला ड्रग था, टू बी यूज्ड क्लिनिकली, जो कि क्लिनिकली यानी कि पेशेंट में इस्तेमाल किया गया, बट इट इज नॉट एम्प्लॉयड नाउ, बट आज के टाइम पे इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, नहीं इस्तेमाल किया जाता बिकॉज इट इज नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक, ये नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक है, यानी कि जो फाइब्रिन हमारा है ना एक्टिवेट बोथ सर्कुलेटिंग एज वेल एज फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन, यानी कि जो प्लाज्मिनोजेन है ना हमारा, जो फ्री घूम रहा है उसको भी एक्टिवेट कर देगा और जो बंधा हुआ उसको भी एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो क्या दिक्कत होती है, अगर जो फ्री घूम रहा है उसको भी एक्टिवेट कर देगा तो क्या होता है हमारा, अगर गलती से चोट वोट लग गई तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारा केवल वही एक्टिवेट हो जो हमारा थ्रोम्बस से चिपका हुआ है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक है, देयरफॉर इट डिप्लीट सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजेन एंड प्रीडिस्पोज टू ब्लीडिंग, है ना, इससे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो इस कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डेंजर रहता है, देख रेख में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कंपेयर टू न्यूअर मोर फाइब्रिन स्पेसिफिक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसे हम एल्टीप्लेस भी कहते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें जो कि नए प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, जैसे कि एल्टीप्लेस एटसेट्रा है, इट इज लेस इफेक्टिव इन ओपनिंग ऑक्लूडेड कोरोनरी आर्टरीज। स्ट्रेप्टोकाइनेस कहीं ना कहीं जो नए एल्टीप्लेस जैसे ये सब है उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं उतना अच्छा ओपनिंग नहीं कर पाता है, जो हमारी जम गई है ब्लड वेसल्स पूरी ब्लॉक हो गई है थक्के से, खून के थक्के से, उतना अच्छा उसको नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड कॉज लेस रिडक्शन इन एमआई रिलेटेड मोर्टेलिटी, ठीक है ना, उतना अच्छा एमआई जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें उतना अच्छा वर्क नहीं करता ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन सिंपल ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट कर रहा है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं जो मैंने ये समझाया है ना, क्या काम कर रहे हैं ये, कि ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो यही है सबका, ठीक है। बस अंतर क्या आने वाला है, ये नॉन स्पेसिफिक है, आगे वाले स्पेसिफिक हो जाएंगे। यूरोकाइनेस, इट इज एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसकी जरूरत नहीं है, कहां से लिया इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल, बट खास करके ये ह्यूमन किडनी सेल से कल्चर किए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर फाइब्रोलाइटिक इट हैज बीन गॉन आउट ऑफ यूज, अब इससे भी यूरोकाइनेस से भी बेटर आ चुके हैं, तो ये भी अब कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नाउ एल्टीप्लेस आरटीपीए, आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, है ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके हम लोग नया बनाते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आरटीपीए कहा जाता है, फुल फॉर्म याद कर लेंगे इसका, प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, समझने के लिए है, याद करने का कोई मतलब नहीं है इसको, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, इसलिए आरटीपीए कहते हैं इसे, फ्रॉम ह्यूमन टिश्यू कल्चर, जो ह्यूमन टिश्यू को कल्चर करते हैं, कल्चर मतलब समझते हो ना, जैसे कि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करते थे, सेल से बहुत सारे सेल बना लेते थे, वही कल्चर है ये। इट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ एंडोजीनस प्लाज्मिनोजेन टू जनरेट प्लाज्मिन, ठीक है ना, ये क्या करता है प्लाज्मिन, ये भी क्या कर रहा है एंडोजीनस, जो अंदर के प्लाज्मिनोजेन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहा है, एंड इज मॉडरेटली स्पेसिफिक, ओके ओके स्पेसिफिक है, कि केवल जो फाइब्रिन से जुड़े हुए हैं उनको ही एक्टिवेट करेगा। फॉर फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन सो दैट सर्कुलेटिंग फाइब्रिनोजेन इज लोअर्ड ओनली बाय 50%, तो जो फाइब्रिनोजेन जो फाइब्रिनोजेन सर्कुलेट कर रहे हैं ना उनके ऊपर उतना क्या करेगा एक्ट ये नहीं करेगा, क्लियर है बातें, ओके आगे आते हैं। रेटिप्लेस,
ठीक है, एक्शन सेम एज अबव जो ऊपर है वही रहेगा, बट लेस सिलेक्टिव फॉर फाइब्रिन बाउंड प्लाज्मा, उसके लिए लेस सिलेक्टिव है ये। इसका भी सेम एक्शन अबव है, हायर फाइब्रिन, इसकी सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फाइब्रिन वालों को ही, जो फाइब्रिन से चिपके हुए हैं केवल उन पे ही ये क्या करेगा, उन पे ही अटैक करता है, दूसरों को छोड़ देता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। डोज की बात कर लें तो स्ट्रेप्टोकाइनेस की डोज कितनी है, 250,000 है ना आईयू ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस इन्फ्यूज इनटू पेरिफेरल वीन ओवर 30 मिनट हैज बीन फाउंड एप्रोप्रिएट इन ओवर 90% ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो तुम लोग सिंपल याद रख सकते हो, डोज कितनी याद रख लोगे, 250,000 आईयू। ओके, नाउ एलटी प्लेस, इसका अलग अलग इस्तेमाल है, मायोकार्डियल इंफेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज और इस्केमिक स्ट्रोक। ठीक है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में 50 mg आईवी बोलस इंजेक्शन फॉलोड बाय 50 mg ओवर 30 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पे, देन 35 mg ओवर द नेक्स्ट वन आवर, 35 mg दिया जाएगा अगले एक घंटे के अंदर। ठीक है, टोटल 100 mg इन 90 मिनट, 90 मिनट में 100 mg दे दी जाएगी। पल्मोनरी एम्बोलिज मोर रखा है तो 100 mg आईवी इन्फ्यूज किया जाएगा दो दो घंटे पर। देन इस्केमिक स्ट्रोक है तो 0.9 mg पर kg बाय आईवी इन्फ्यूजन ओवर 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट के अंदर विद 10% ऑफ द डोज इंजेक्टेड इन द फर्स्ट मिनट। ठीक है, इतना याद रख लेंगे, आएगा याद ना रखें तब भी चलेगा। तो अलग अलग केस में, क्योंकि इन तीनों ही केस में क्या होता है, खून का थक्का जमता है और अलग अलग तरह की जहां जमेगा उसके हिसाब से कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसी प्रॉब्लम के हिसाब से यहां पर क्या हमारी डोज दी गई है। ओके, देन टेनेक्ट प्लेस है, ये है हमारे पास 0.5 mg पर kg सिंगल आईवी बोलस इंजेक्शन एक ही बार में दे दिया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, तो डोज कुछ खास नहीं है, यानी कि मेन चीज क्या था, समझना था कि है क्या चीज। पांच ही दवाइयां हैं हमारे पास यहाँ पर और तीन की यहाँ पर डोज मौजूद है हमारे पास। देन इंडिकेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये तीन की डोज। इंडिकेशन में बात करें, जितने भी रिलेटेड जो खून के थक्का जमने वाले जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ गया, डीप वीन थ्रोम्बोसिस आ गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया, पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूजन आ गया, स्ट्रोक, ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं कर चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ये सारे टर्म्स हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इन्हें बहुत ज्यादा, फिर कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पीछे जो पार्ट पढ़ रखा है वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एम्बोलिज्म, सारे टर्म्स हमने क्लियर कर रखे हैं। मैं उन सबको यहाँ बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, अगर भूल गए हो तो फिर कहूंगा, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर कोई चीज भूल गए हो तो तुरंत तुरंत है ना किसकी शरण में आ जाओ, हमेशा बोलता हूँ गूगल बाबा की शरण में आ जाओ, है ना। फायदा क्या मिलता है, तो तुमको यहाँ पर वापस वहां नहीं जाना पड़ेगा, अरे सर ने क्या बताया था, वो नोट्स खोलो, ये खोलो, टाइम लग जाएगा, तुरंत देख लो, अगर तुम्हें लगता है यार मायोकार्डियल इन्फेक्शन भूल गए, तुरंत देखो, एक लाइन की डेफिनेशन दे रखी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, तुरंत मिल जाएगी और तुरंत यहां से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हो। तो जस्ट कई बार ऐसा होता है कि अरे यार रटना पड़ रहा है, थोड़ा समझ लें, तो या तो नोट्स देख लो या एक बार को डेफिनेशन देखनी होती है हमें, तो यहां पर गूगल पर टाइप करो, मिल जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगेन अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून निकल रहा है बॉडी से, मतलब खून जल्दी जमता नहीं है, और ऊपर से हम लोग और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक दे देंगे तो फिर खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है, वो बहता ही चला जाएगा। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, अगर कोई मेजर सर्जरी होने वाली 2 हफ्तों के अंदर, सर्जरी में कट लगता है, कट लगेगा, खून बहेगा, जमेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डायबिटिक रेटिनोपैथी है अगर, और प्रेगनेंसी है, तो इन केस में हम लोगों को ये क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। क्लियर है, तो अगेन अपना ये छोटू सा लेक्चर और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं था इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास, सिर्फ समझना था कि थ्रोम्बोलाइटिक होते क्या है, कैसे हमारे बॉडी में वर्क करते हैं, उसके बाद वो 5 दवाइयां और खेल खत्म। ठीक है ना, तो करना क्या है, पढ़ना है और रिवाइज करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर लेनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।